हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से 90% मार्क्स चुके हैं। दोस्तों, आज है लास्ट क्लास और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है ना, तो बताना ये है कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, जैसा कह रहा बस वैसे ही करते जाना। क्या कह रहा, किसी संख्या के, मान लो वो संख्या एक्स है, के काकी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, के 3/4, 3/4 का 2/3 हमारा क्या है, 24 है, 24 के बराबर है। आप मुझे बताओ यहां से हम वो संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से करोगे, 3 × 9 कितना होता है, 6, 6 चौको कितना होगा, 24, सीधे कट जाएगा 4। आप देखना ध्यान से, x बराबर क्या होगा, इस 4 को ऊपर भेजेगा और 3 को भी ऊपर जाएगा, तो आप मुझे बताओ 4 × 4 × 3 ये संख्या हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस संख्या का 1/4 क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या का 1/4 क्या होगा। 1/4 का दोनों तरफ गुणा करोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 कितना होगा, 12, मतलब कि इस संख्या का जो 1/4 होगा वो कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उम्मीद करना हो समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, ठीक है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। कह रहा कि दो अंकीय संख्या है, उनके अंकों का जो गुणनफल है ना वो हमारा कितना है, 6 है। आप मुझे तो ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि 5 + 3 कितना हुआ, 15 हुआ, हमें चाहिए कितना, 6 चाहिए। यहाँ देखो 4 + 3 = 12 हुआ, हमें चाहिए 6। ऑप्शन नंबर बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 × 6 = 6 मिलेगा, 2 × 3 करोगे 6 मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ दो, 16 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कह रहा है कि प्राप्त जो संख्या है अंकों के स्थान बदल जाते हैं। 16 + 9 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। देखो अंकों का स्थान बदलने का मतलब समझो, 16 की जगह क्या आना चाहिए, 61 आना चाहिए, यहाँ आप कितना रहा, 25 आ रहा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। कैसे, 23 में अगर आप 9 जोड़ोगे देखो कितना आएगा, 32 ही आएगा ना, अंकों का क्रम उलट गया, साथ ही साथ अंकों का गुणनफल कितना है, 6। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78692 है, ठीक है, इनमें से 29642 जो है वो पुरुष है, ठीक है, 28167 जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है, तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे तो पुरुष और महिलाओं को पहले जोड़ लो, टोटल पुरुष और महिलाएं कितनी है, आप मुझे तो 29642 ये रहा, 29642 प्लस 28167 को जोड़ोगे ना, देखो कितना आएगा, 7 × 9 = 6 = 4 = 6 = 7 = 8 = 9 = 17 7 × 2 = 4 = 5 मतलब कि 57809 आया। टोटल पॉपुलेशन जो गांव में है वो कितनी है, 78692 टोटल पॉपुलेशन गांव में है। आपके सामने आया कितना, 57809 जो है टोटल मेल और फीमेल है, मतलब कि महिलाएं हैं और पुरुष हैं, समझ रहे। आप मुझे तो अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में महिलाएं और पुरुष को हटा दूंगा तो जो बचेगा वो हमारे क्या बचेंगे, बच्चे बचेंगे। आपसे पूछ रहा बच्चों की संख्या कितनी होगी, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यहाँ देखो 8 बचेगा, 83 हुआ, 83 हुआ, लास्ट में 18 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो खेल गया। अब यहाँ देखो कितना बचा, 5 बचा, कैरी हो गए, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, मतलब कि 7, 8, 3 चाहिए, देखो 783 लास्ट में चाहिए, यहाँ 883 है, ये 883 खत्म। ऑप्शन नंबर डी ही इज द राइट आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है ना, बस हमको उतना ही सॉल्व करना है, ज्यादा कैलकुलेशन कर हमको समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि काजोल 1 घंटे में 1 किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, ठीक है, वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ काजल जी है जो 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। अब आगे क्या कह रहा है कि वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है, मतलब कि 5 × 10 और 1 11/5 घंटे पढ़ती है। आप मुझे तो 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है तो 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, दोनों तरफ गुणा कर दो 11/5 का, तो आप मुझे तो इधर 1/3 और 11/5 का गुणा करोगे तो आप मुझे तो 11/5 घंटा होगा
यानी कि 2 से 1/5 जो घंटा होगा वो कितना भाग पढ़ लेगी, 11 के ऊपर रहेगा, 5 गया 15 मतलब 11/15 भाग पढ़ लेगी। आप कह रहा है कि इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, आप मुझे तो 11/15 भाग पढ़ लेती। आपको अगर शेष चाहिए ना, आपको अगर रिमाइंडर चाहिए कितना भाग शेष बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप मुझे तो 15 की 15 नीचे को हर होता वो सेफ रखिए, 15 रखिए। अब देखो 15 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, आपको अगर 4, तो यही हमारा शेष बच जाएगा 4/15 भाग पढ़ने को शेष बचा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो भी करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप 1 में से 11/15 घटा दो, अब आपको आंसर मिल जाएगा, समझ लो। कोई भी भाग आपने कितना पढ़ लिया, अगर आपको शेष चाहिए होता है तो आप उसमें 1 में से घटाओगे ना, चीजें आपकी आंसर जो भी आने को होगा वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष बचता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप बोले तो 3 की पावर 98 है, 3 की पावर 98 आप 5 से भाग देंगे तो आपको बताना ये कि शेष कितना बचेगा। आप अगर एक चीज ध्यान से देखना, आप बोले 3 की पावर 98 है, मैं कह रहा हूँ कि 3 की पावर 2 कर दो, क्योंकि 5 2 10 होता है, 10 और 9 का डिफरेंस 3 का 9 होता है, 10 और 9 का डिफरेंस 1 होता है, रिमाइंडर 1 से हम काम चला देंगे। अगर वो 3 की पावर 2 करोगे तो ऊपर कितना बचेगा, 49 बचेगा। देखो 49 × 2 कितना होता है, 98 होता है, मतलब पावर का आपस में बड़ा होता है। कहने का मतलब ये 3 की पावर 98 ही लिखा है, 3 की पावर 2 की पावर 49, समझ लो। आप मुझे बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सवाल को सरल बना रहा, 3 की पावर 2 होता कितना, 9 की पावर 49, 9 की पावर 49 का मतलब 9 बार 49 को गुणा करना है, 9 बार करते चले जाओ 49 टाइम से, कितने बार 49 बार करना है, और आपको करना है 5 से भाग, आपको बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। आप बोलते 5 से काटोगे इधर 5 × 5 = 10 होता है, शेषफल जो बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का है, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये मैंने शेषफल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा शेषफल, इधर भी 1 बचेगा माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1 बचेगा, ऐसे कितनी बार बचेगा 49 बार। आप बोलिए तो माइनस वन का गुणा अगर आप 49 बार, यानी 49 क्या है हमारा ऑड बार है, ऑड है मतलब कटने का ही हुआ, -1 की पावर 49 लिखा है आपको, -1 की पावर 49, -1 की पावर और क्या देगा, माइनस ही बन देगा, मतलब कि इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, माइनस का बन आएगा। लेकिन शेषफल जो होता है वो हमारा प्लस का होता है, हमेशा ध्यान रखना शेषफल जो होता है वो प्लस का होता है। आपको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप किससे भाग दे रहे हो, 5 से भाग दे रहे हो, तो 5 में आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल आया उसको जोड़ दो, नेगेटिव का शेषफल जोड़ोगे, 5 + -1 करोगे, 5 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 4, ओरिजिनल जो शेषफल होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल आए तो आप ऐसा करना कि आप जिससे भी भाग दे रहे हो ना, आपको सिर्फ आगे वो संख्या बढ़ानी है जिसमें जो भाग देने पर शेषफल जो है वो प्लस का बन रहा है या माइनस का बन रहा है। जैसे मैंने 3 का 9 कर लिया, 5 × 10 माइनस का बना रहा, चाहे प्लस का बनाना चाहिए, बस ऐसे ही फोकस करोगे ना तो इस टाइप के सवाल आसानी से लग जाएंगे। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि 10 इकाई का मतलब गुणा 2.5 का मतलब गुणा 10 और 1000 का मतलब गुणा 1000 करना है। बस आप मुझे तो गुणा 1000 करोगे बराबर है, आप मुझे तो 10000 लिखा है, 10 × 1000 करोगे 10000 हो जाएगा, प्लस 10 × 10 करोगे कितना आएगा 100 आएगा, प्लस 10 × 1 करोगे कितना आएगा 10 आएगा, आप जोड़ोगे 0, 1 और 1 लास्ट में कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए, लास्ट में 110 कहाँ आ रहा है, ना यहाँ आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, ये क्या लिखा, 8,93,304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। दोस्तों जब भी इस टाइप का नंबर होता है तो आपको डिवीजन मेथड मैंने बताया है कॉन्सेप्ट की क्लास में, अगर ना देखा हो स्क्वायर रूट निकालने का तो आप देख लीजिएगा, इसमें आपको डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है। वो डिवीजन मेथड क्या है, जैसे 8, 9, 3 आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालो ना, किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो आप डिवीजन मेथड लगाओ। आप क्या करते हो लास्ट से पेयर बनाते हो, दो का पेयर बनाए, फिर आप क्या करते हो एक क्रॉस लाइन करते हो, अब देखो 89 है, आप देखो किसका स्क्वायर के पास में है या बराबर है, आप हो गए 8/64 होता, 9 × 81 होता, हाँ 9 के पास है, 9 × 81 लिखोगे, लिख दिया, आप हो गए देखो जो आपने भागफल लिखा है वही आपको जोड़ना पड़ता है, और देखो 9 कितना बनेगा 18, आप देखो 89 में से 81 जाएगा, कितना बनेगा 8 बचेगा, आप पूरा एक पेयर उतारना पड़ता 833 हुआ, आप देखो कितनी बार जाएगा, आप हो गए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कितनी बार जाएगा, आप हो गए 4 बार चला जाएगा, 5 बार जाओगे 18/95 होता है, देखो 4 बार जाएगा, 4 बार जाओगे तो 4 × 16 = 6, 4×32 = 32, 33 कार्यक्रम 4×3 = 736 आया, 736 आया, आप हो गए जो भागफल मैंने 4 ऊपर लिखा था नीचे जोड़ना पड़ेगा कितना आएगा 188, अब यहाँ देखो 13 में से 6 जाएगा कितना आएगा 7,
यहाँ देखो 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ तो 0 हो जाएगा। आप पूरा पेयर उतारोगे 97,104 आएगा, 97,104 आएगा। आप देखो किसके पास जाएगा, आप कहोगे 97,104 जो है यहाँ पर मैं क्या लूंगा। अगर आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, 18 बचे कितना होता है 90 होता है, 18 बचे 90 होता है। आप कहोगे 18 बचे कितना होता है 90 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे 5 बार अगर करता हूँ तो कितना आएगा, 5×25 = 5, 48 40 40 और 2 42 = 2, 18×5 = 90, 90 और कितना हुआ 4×4 = 825 आया। हमको चाहिए 97,104, हम इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 बार लेना पड़ेगा। अब मुझे तो 6 बार अगर लोगे तो आप अगर ध्यान से लोग कितना आया, 6×36 = 6, 6×48 = 3, 51 = 5, 56 + 5 = 5, 3×5 = 5, 11,316 आया। आपको ज्यादा बार देना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझे तो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़ने पर, आप कहोगे 946, देखो 45 अगर मैं 5 बार लेता तो कम आ रहा, आपको ज्यादा बार लेना है, बस कुछ इसमें से घटाना है। अब देखो कुछ नहीं करना है, 11,316 में आप 97,104 घटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ देखो 1 में से 13 में से 7 गया 6, यहाँ कितना बचा 10 में से 9 गया 1, 1612। आप मुझे तो जो इसका शेषफल आएगा किसका आएगा, माइनस का 1612 आएगा, माइनस का 1612 आएगा। आप कहोगे अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, 0 होता। कह रहा है क्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, आप बोले तो माइनस के 1612 में आप प्लस का 1612 जोड़ोगे ना तो ये देखो रिमाइंडर जो होगा वो हमारा 0 बना देगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉन्सेप्ट की क्लास देखिए जाकर, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो 0 मिला इसका मतलब हमको 1612 अगर इस नंबर में जोड़ दोगे तो वो जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 946 का स्क्वायर होगा, समझ रहे हो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 8×6 = 14, 14 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। कैसे, आप मुझे तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है x * y = कितना है 48, इनका योग इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है हमारा 100 है। आपने बहुत ही बचपन में पढ़ा होगा 8×6 = 48 होता है, मतलब कि 8×6 = 48 होता है, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 6 का स्क्वायर करोगे 36, 64 × 36 कितना होता है 100 होता है। बहुत ही फेमस नंबर है ये, आपने बचपन में पढ़े होंगे। आपसे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा तो 8×6 कितना होगा 14 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस न्यूमेरिकल इक्वालिटी के टॉपिक का। आप मुझे तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो संख्याएं क्या होगी। आप मुझे तो क्या कह रहा है, यहाँ देखो लाइन बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है, ये अगर लाइन अगर आप देखोगे ना ध्यान से ये दो लाइन कह रही है, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। कैसे, बड़ी संख्या का 4 गुना, आप मुझे तो 43 का 4 गुना करोगे, 4×12 = 2, 4×16 = 17, 172 आएगा, और छोटी संख्या का 3 गुना भी करोगे अब तो जोड़ोगे ना तो किसका कितना आ रहा है 71 आ रहा है। आप तो 172 में अगर आप कोई नंबर जोड़ोगे वो भी प्लस का तो नंबर कभी 71 आएगा, आप कहोगे वो संख्या ये 43 8 नहीं हो सकती, समझ लो। अगर मैं कहता हूँ 11 करो, 11 का 4 गुना कितना होता है 44, अब देखा छोटी संख्या के 3 गुने, 9 का 3 गुना कितना होता है 27, अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा 7×4 = 11 किए 4×2 = 6 = 1 71 आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा, ये हो सकती है। आप मुझे तो इसका देखो 14 का 4 गुना करोगे 56, 5×5 = 3 गुना करोगे 3×15 56 और 15 करोगे 5×6 = 11 किए 5×6 = 1 7 71 ये भी आ रहा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से 7×2 = 17 2×8 = 68 और 3 गुना करोगे 68 और 3×3 होता है 71 ये भी आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। आप पहली कंडीशन देख लो क्या कह रहा कि दोनों संख्याएं जो है ना बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या का दोगुना, अब 11 का दोगुना करोगे 22, 11 का दोगुना 22 और छोटी संख्या के 5 गुने 9×9 कितना हुआ 45, 45 से 3 ज्यादा है, आप बोलो 45 से क्या 3 ज्यादा 22 है, आप बोलोगे छोटा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी गलत। ऐसे में यहाँ देखता हूँ 17 का 2 गुना करोगे 34, छोटी संख्या का 5 गुना करोगे 5, 5 से 3 ज्यादा 8 होना चाहिए यहाँ 34 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यही एक ऑप्शन है ना, देखो बड़ी संख्या का 2 गुना 14×2 = 28 और छोटी संख्या का 5 गुना 5×5 = 25, 25 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।